अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने टेरेस पे और गैस किसे गैस करो किसे लेने जा रहा हूँ। खुशी हाँ भाई चलो आज खुशी का वैक्सीनेशन डे है, पहली वैक्सीन लगेगी आज खुशी को, तो चलो लेके चलते हैं खुशी। चले खुशी वैक्सीन लगवाएगी, खुशी वैक्सीन लगवाएगी। हाँ लगवाएगी भाई, क्या रही है। आजा आजा चल चलो भाई चलो 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 भाई चलो चल आजा चल वैक्सीन लगवा के आते हैं खुशी। नमस्ते। हाँ जी थोरू के थोरू को भी लेके जाऊंगा मैं वैक्सीनेशन, क्योंकि फिर वो है ना तो आराम से रह जाएगी घर से, कोई भी कोई चले थारू। अरे तो इसे उतारे नहीं फायदा क्या, पापा से पूछ लो तो पहले चले फिर वैक्सीनेशन के लिए। ये लो फिर खुशी के तो यही दरवाजा है, पकड़ूंगा खुशी तो इसी दरवाजे से जाती है। चलो भाई लेके चलते हैं खुशी को वैक्सीनेशन के लिए, आज पहली वैक्सीन है, देखते क्या करेगी ये। पापा गैस करो ये रोएगी या इसको पता ही नहीं चलेगा, ये कुछ भी कर सकती है, इसका क्या गैस करेंगे यार, रोए तो क्या ही है, मतलब पता चलेगा इसे या नहीं पता चलेगा। नहीं, पता नहीं लगेगा। चलो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना इसे पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, अभी कभी करो कमेंट, बाद में तो पता ही चलना आपको, पॉज करो वीडियो को और कमेंट सेक्शन में करो। खुशी राइड पे जा रही है, राइड एंजॉय करती हुई बाहर देख रही है, क्योंकि ये कुछ ऐसे शांति से तो बैठ ही नहीं सकती। शांति से बैठ जाए तो बहुत बड़ा दिन हो जाएगा वो तो। चल यहाँ बैठ जा खुशी, जा अभी ये ऊपर छोड़ दी ना। हाँ तो मैं तरफ आए भाग के बॉक और फिर वापिस भाग जाए। हाँ फिर और फिर बॉक ये थैला कौन है जो ऊपर बैठ जाएगी आराम का, इसको ले लेंगे जी। आ जा खुशी फिर पास आ जा, फिर क्या कर रहे पापा जी, जो अपने काम करने आए दीदी उनसे भी नहीं संभली थी। अरे वो भगा दी उन्होंने, पीछे पड़ दी है वह छोटी लड़की है, वह सोफा बजा के चढ़ गई और रुका मारा उनके, इसको संभालो या कौन पीछे पड़ गई, जो रुखे मारे मतलब पंजे मारे, ये छोटी सी संभाली नहीं जाती भाई, मतलब छोटी सी कंट्रोल में नहीं होती। लो भाई खुशी को लेके पहुंच चुके हैं वैक्सीनेशन लगवाने पापा, अरे आज मैं कैमरामैन बन चुका हूँ। चलो ये देखो भाई ये सबसे बुजुर्ग आदमी है यहाँ का, ये डॉक्टर अंकल का है और इसको दिखता नहीं है आंखों से, ये बहुत बूढ़ा है पता है, बहुत बूढ़ा आदमी है ये, इसको दिखता नहीं है। हाँ मतलब प्राणी ये सूंघ सूंघ के चलता आगे, पर इसको यहाँ का पता है इस एरिया का, तो इसलिए फिर भी काम है। देखो भाई खुशी के मुझे लग रहा है अभी वैक्सीन नहीं होगी, होगा खुशी की वैक्सीन अभी लगेगी थोड़े दिनों बाद लगेगी, पहले दवाइयाँ का कोर्स इसका नया चलाना पड़ेगा हमें, ये दवाइयाँ चलेगी अब इसकी ये। भाई दोस्तों अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, वो जो ये जो डॉक्टर है ना ये बहुत ज्यादा मतलब कि इनमें नॉलेज हद से ज्यादा है, इनको सब पता है, सब जानते हैं, सब मानते हैं इन डॉक्टर को, बट ना भाई ये ना बहुत ज्यादा मतलब हार्श बोलते हैं, हार्श मतलब बहुत मतलब हद पार हार्श बोलते हैं ना पापा जी, इंसल्ट कर देता है इंसल्ट ही तो हम जाते ही इंसल्ट कराने हैं भाई वहां पे है ना पापा जी, ये पता नहीं अजीब ही है बस क्या बताएं, पर नॉलेज तो पापा पूरी है ना बेटा, नॉलेज तो ये इसका वो था हेड था एचयू का, इसका लुवास का। हाँ। और बहुत जाना माना डॉक्टर है ये। हाँ। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन वो जो भी इसके पास जाता है ना पहले तो दस सुना होगा
उसके बाद उसके डॉग को देखा। तो अभी अभी क्या हो रहा था कि जो बाहर दो बच्चे आए हुए थे ना, तो उनको डॉक्टर सुनाने लग रहा बढ़िया वाली सुना के, फिर कहता भाग जाओ ऐसे, ले जाओ अपने डॉग, मैं नहीं देखता। भगा दिया भगाए वो इसलिए कि डॉक्टर ने ये पूछ लिया कि इसको डाइट क्या देते हो। वो बोले दो अंडे देते हैं सारे दिन में और एक दो रोटी देते हैं। तो वो था डॉग थोड़ा बड़ा था, तो फिर तुम रखते क्यों हो, तुम्हारी शक्ल है रखने की, भाग जाओ यहाँ से। बोला मैं नहीं करता, किससे लुवाया था पहले दवाई, किससे ली थी? बोला जी उनसे ली थी। बोला जाओ उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से लो दवाई। मतलब कि वो कह रहे हैं कि भाई तुम इतने बड़े डॉग को खाना ही नहीं दे रहे तो ये कैसे सही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो गुस्सा आ जाता है इनको, पर ये बहुत बढ़िया डॉक्टर है भाई, और ये सिर्फ मजाक में बात चल रही है। इन्होंने मतलब हर डॉक्टर जितने भी हिसार से, एचयू से, मतलब लुवास से जितने भी पास आउट हुए हैं सब इनको मतलब एज ए गुरु ही मानते हैं, और ये है भी क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा नॉलेज है। चलो अब लोग आगे चलाते हैं। पापा क्या हुआ, पापा वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? वैक्सीन तो अब डॉक्टर साहब बोले कि 5 दिन पहले ये दो, तुम तो किसी पता नहीं किसने क्या दवाई दे रखी है बच्चे के लिए, दवाई ये ठीक नहीं होती। और बोले मैं मेरी तसल्ली के बगैर नहीं वो करूँगा, तो 5 दिन की दवाई देंगे, पहले दवाई देंगे उसके बाद लगवाएंगे। अब इसको वापस मतलब अब इसको प्रॉपर 5 दिन तक जो इन्होंने कोर्स का है ना कि वो देना है, और वो देने के बाद फिर लगाएंगे वैक्सीन। और हमारी खुशी महाराज ये बैठी है, वो देख रही है क्या कर रहे हैं। ओए खुशी 5 दिन बाद लगेगा, 5 दिन बाद। और भाई ये बात तो सब आप लोग भी जानते होंगे कि भाई अपने डॉग को बाहर मत लेके जाना इस टाइम, जब तक उसके वैक्सीन ना लग जाए, जो इसकी पारो वायरस वगैरह होता है ऑर्गेनाइज डिस्टेम्पर। बहुत ज़्यादा ऐसी डिजीज़ है जिनका कोई इलाज ही नहीं है, सिर्फ वो वैक्सीनेशन ही इलाज है। तो इसलिए आप घर से बाहर ना लेके जाया करो जब तक वैक्सीन ना लगे डॉग। मेरी माता ने बहुत बढ़िया काम करा है। अच्छा दिखाइए आप, एक चल एक मिनट ना हो, नहीं दिखाओ कहाँ क्या करा आपने, चल देख लो भाई, देख लो क्या काम करते हैं। और फिर कहते मेरे तो फोन में अंदर आ गया। वाह ये देखिए ये चाबी इसके अंदर छुप रही, अंदर दिख रही है ना, अभी निकलेगी कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। चाबी कैसे निकलेगी ये समझ आ रहा है मुझे। चलो फाइंड आउट करते हैं। फोन अंदर है, मेन इशू ये है कि फोन अंदर है। खोल दिया भाई, खोल दिया मैंने, इस की से इसमें प्रेशर डाल के इसे घुमा दिया अंदर से ही। तुम कैसा कर सकते हो। फाइनली माँ जा रही है जिम के लिए, चाबी ये नई वाली मिल गई है। चलो अच्छा हुआ। हेलो यहाँ की बैठी हुई तो बैठी है मम्मी, आगे तो ध्यान से निकालियो, आगे से ध्यान से निकालियो। अरे यार पता नहीं ऐसे कैसे समझ कैसे आएगा, तोड़ दी मन ना तोड़ी मस्त है वेरी मम्मी। खुशी महाराज पहुंच चुके हैं घर पे, और अपना इसने खाना भी खा लिया है, पनीर खाना खा खू के। अब इसको ये डब्बा दिख गया था, वैसे ही अभी ये देखिए फिर गिरा देगी, फिर गिरा देगी। और अभी आदित्य आया हुआ था ऊपर, वो क्या एक्वेरियम का तो बहुत अच्छा बना हुआ है भाई, और इसमें मतलब थोड़ा सा ना वो वाला पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और जो मैं चीज चाहता था ना कि थोड़ा सा कलर इसमें ब्राउनिश शेड आ जाए, डार्क शेड, तो वो पानी का वो कलर भी आ गया है, तो बहुत अच्छा बन चुका है अभी। और आदित्य को मैंने कहा कि भाई जा नीचे, जो नीचे वाला नीचे फ्लोर पे रखा हुआ था ना हमने पोंड के लिए फिश फूड, वो टेट्रा वाइट का है, तो फिर मैंने कहा वो ले आ जा तू, क्योंकि अब नीचे फिश तो है नहीं। हाँ भाई डोन, हाँ अब कर तारीफ के कर रहा था यार, बहुत मस्त है। कैसा मस्त बता। एक तो इसका ये जो डाल रखी है तुलसी है जो भी है, इसका तो ड्रिफ्ट फूड हो गई है जो भी है। हाँ जो भी है मतलब कलर बहुत प्यारा है, और मतलब पानी क्लीन भी, और हल्की सा टिंट सा नहीं आता। हाँ
वो है तो बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना लेते हैं तो भी छोटी पड़े बहुत सारे, मतलब छोटी छोटी चीजें होने लग रही है पूरे टैंक में, नई नई चीजें जिससे इसके देखो रूट्स नहीं आ चुकी है प्लांट के। चलो आदित्य को अपने आदित्य अपने हाथों से देगा खाना, ले पकड़ी एक बार, मैंने देख नहीं दिया इनको, मिक्स करता हूं मैं, इसको देख लो, इसको देख लो भाई, अभी तो तूने खाना खाया बांदरी। और भाई ये बहुत भारी है, मैंने पहली बार उठाई आज, वैसे लगती है छोटी सी। एक हमारा मिस्टर सरूर आ गया, नफर उसको अंदर ना लियो। हाँ ये डंगे बाज है, ये पूरी शराब करेंगे। ये लड़ाई करते हैं आपस में, मेरे को पहले प्यार करा। चलो भाई खाना भी सोच रहे हैं, पूरी खुश हो रही है, इसको पता नहीं क्या लग रहा है, इसके लिए कुछ मैं पापा नीचे था उसको नीचे लेके जा रहे हैं। ले भाई आदित्य ले, मेरे को दे कैमरा, तू डाल दियो खाना, ले कितना डालना बता दे, मैं सारा डब्बा डाल दे। हाँ सारा डब्बा फिर चुकता रही सारा, इनको नहीं डालना, ना इनको नहीं डालना, ये पहले तैयार है। एक ऐसे एक पिंच निकाल ले, हाँ डालो, यहाँ डालियो इसमें, देखो भाई देखो, बस अब पहले एक बार ये खाने दे, कितनी तेज चाहिए, पहले इनको ये खाना दे फिर दूसरा डाल लेंगे पूरा। तेरा खाना नहीं है ये, बहुत मस्त है यार ये मछलियाँ, मैंने जी तू कितनी एक्टिव है, एक ये हमारी मछली एक और, ये पूरी एक्टिव है, ये देख रहा है छोटे को नहीं खाना, फुल तेजी से खाती है यार, पलक झपकने से पहले तेरे उधर अरे थोड़ा बहुत भी वो देख रही है हमें, नहीं इतनी देर में तो खत्म कर देती, अगर मैं होता ना, मैं नया नया दिख रहा मैं इसको देख रहा हूँ, इसको पता नहीं इसको लग रहा है ऊपर कुछ है जो मुझे, मैं मिस आउट कर रही हूँ। कुछ नहीं है बेटू, क्या ऊपर खुशी, आजा क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। हाँ भाई खुशी की वैक्सीनेशन अभी 5 दिन बाद होगी, तो वो तो आप तो लोग देख ही चुके हो व्लॉग में। खुशू ये ले, ओए दे ले इसका, ये डब्बा लेना है भाई, इसको बंद कर ले, गिरा देगी और गिरा के खा भी जाएगी। सही है ना, चलो सही नहीं बस। चलो भाई अब मैं जिम जाता हूँ, आप लोगों ने जिम का व्लॉग कई दिनों से नहीं देखा ना, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप देखना चाहते हो। हाँ। और एक चीज बताऊं भाई, रिजल्ट आ रहा है पेट का, पेट नहीं है, पेट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, खत्म हो चुका पेट, मजा आ गया इस बात को सुन के, बस इसको थोड़ा डालेंगे खाना कम करें, क्या खाए बता दो, तेरे से कम खाता हूँ एट प्रेजेंट, मम्मी से पूछ रहा हूँ भाई, तू मैगी भी खाता है ना, मैगी तो खाता, एक दिन खाई थी मैं जिस दिन कुछ खाता उसी दिन ही देख लेता है, मैंने वो भी नहीं खाई है, मैंने वो भी नहीं खाई है, मैंने 2 पैक खाए थे, वो भी ब्राउन ब्रेड लिए थे साथ में 3। हाँ तो खाए भाई, खाने लगता है 6 पैक निपटा देता है तो भाई वो, पर मैं खाई नहीं ना, बात ये है मैंने नहीं खाई, तू खा रही है। क्या चाहिए तुझे खुशी, ये करिए खाना खुना लाओ, मैं क्या रिकॉर्ड के लिए देख 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 खुशी, ये देख लो, ये ले खुशी, ये देख भाई इसे कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ इसे चाहिए। देखो भाई आप लोगों को एक और अच्छी तस्वीर दिखाते हैं, ये थोर सो रहा है और इसके ठीक पीछे हेला सो रही है, और यहाँ पे हम अपना खाना खा रहे, खाना खाया जा रहा है, और कमाल की बात यह है कि ये इतने आज्ञाकारी है कि आराम से अपने नींद का मजा ले रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं भी खाना रखे, ये देखो क्या है, कितने प्यारे और समझदार बच्चे हैं, और हमारी नटखट ऊपर सो रही है वो नटखट बेबी, वो ऊपर है और ये दोनों बच्चे यहाँ पे आराम से सोए हुए है, ये देखो। तो भाई व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोई सजेशंस हो कि इस टाइप के हम चैलेंज करते हैं तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल रंग का जो बटन है ना फोड़ दो ये, ठीक है, इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, ओके बाय बाय।